आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं और अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने का कार्य कर रही हैं। इसी कड़ी में संसदीय चुनाव को लेकर छपरा की जनता का चुनावी मूड क्या है, यह जानने के लिए जब हमारे छपरा संवाददाता मनोज कुमार सिंह ने ग्राउंड जीरो पर जाकर भिंडी एवं सोनहो चौक पर आम जनता से वर्तमान सांसद एवं विधायक जितेंद्र राय, पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के परिवार से राजश्री एवं निर्दलीय चोकर बाबा के संबंध में कुछ सवाल किया तो लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9, मैं हूं मनोज कुमार सिंह। संसदीय चुनाव की तैयारी लगभग पूरी हो गई है, सीटों का बंटवारा भी बिहार में लगभग तय है। वहीं सारण जिला में यहां स्थित सारण जिला का यह भिल्दी क्षेत्र है, साफ तौर से देख सकते हैं भिल्दी लिखा हुआ भी यहां पे है। और सारण के जो वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी ने लगातार चुनाव जीता है और चुनाव जीतने के बाद यह सांसद बने हैं। वहीं आरजेडी से यहां से अभी सीटों के कयास लगाई जा रही है कि यहां से कौन प्रत्याशी आएगा, लालू परिवार के घर से आते हैं या यहां के आरजेडी के कद्दावर नेता जितेंद्र राय का भी नाम कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। और निर्दलीय के तौर पर शत्रुघ्न तिवारी चोकर बाबा ने ताल ठोक दिया है। अब चुनाव की जैसे जैसी तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे लोगों की भी धड़कनें बढ़ रही है, तो आइए इसके ग्राउंड रिपोर्ट आज हम बनाने का प्रयास करेंगे, जनता से भिल्दी और सोनहो की जनता से पूछने का प्रयास करेंगे कि इस बार चुनाव में जो अपना मत का प्रयोग करेंगे, विकास की मुद्दा उनकी क्या रहेगी और किन बातों को लेकर वह अपना मत का प्रयोग करेंगे। आइए जनता के पास सीधे चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? चुनाव आ रहा है जी। चुनाव में अपना मत का प्रयोग करेंगे, वोट देना है ना? हाँ जी, वोट देना है। किस पार्टी का लग रहा है कि ज्यादा जनाधार है, तेजस्वी यादव के परिवार से अगर कोई आता है या राजीव प्रताप रूढ़ी या चोकर बाबा? हम लोग तो अभी बीजेपी है। आप लोग बीजेपी है? हाँ। बीजेपी ने क्या काम किया है सांसद यहाँ से? राजीव प्रताप रूढ़ी है सांसद, है क्या काम किए हैं? अब देखिए, हम लोग अभी लेट हो रहा है, ठीक है, मैंने सांसद महोदय कुछ काम किया? हाँ, हाँ, किए हैं। हाँ, बीजेपी को वोट देंगे? हाँ। चलिए, ये बता रहे हैं या ये गाड़ी लेके जा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे और जनता से पूछने का प्रयास करेंगे। देखिए, अभी भिल्दी चौक में ये गन्ने के गन्ना लेकर बेच रहे हैं और गन्ने की मिठास यहाँ मानी जाती थी मढ़ौरा चीनी मिल को लेकर, जिस तरह से गन्ना धीरे धीरे लुप्त हुआ है ऐसे लोग अभी भी गन्ने को बचाए हुए हैं और गन्ना बेचकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। चुनाव का समय है, क्या लग रहा है चुनाव का समय है? हाँ। किस पार्टी का यहाँ ज्यादा अभी नाम चल रहा है, बीजेपी या आरजेडी या चोकर बाबा भी विधायक विधायक यहाँ रहे थे पहले? रहे थे पहले। हाँ, अभी क्या लग रहा है कि काम किया है बीजेपी, कुछ काम किया है? हाँ? बीजेपी कोई काम किया है अभी? क्या पता हमको भाई, अच्छा उन्हें मालूम नहीं है। और भी एक व्यक्ति है, क्या लगता है अभी चुनाव आने वाला, संसदीय चुनाव आने वाला है, किन बातों को लेकर आप लोग वोट करेंगे और किस पार्टी को? देखिए, वोट तो होना चाहिए, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस पर से आप महंगाई है, ठीक है। यहाँ वर्तमान सांसद है राजीव प्रताप रूढ़ी, क्या उन्होंने काम किया है? काम तो दिखाई दे ही रहा है आपको, जो हुआ है सो आप नजर के सामने ही है। मैंने आप लोग संतुष्ट हैं वर्तमान सांसद से? दे दीजिए तस्वीर सर, कर पे कहे वर्तमान सांसद से आप लोग संतुष्ट हैं? क्या संतुष्ट रहेंगे, कोई जमीन पर रहेगा तब ना संतुष्ट कोई रहेगा। गन्ने की मिठास कही जाती थी या अमनौर और मढ़ौरा की, क्या गन्ने की मिठास आज भी मौजूद है? चीनी मिल तो सब बैठ गया, सब तो लूट गया, वो फैक्ट्री लूट गया, कहने का मतलब वो तो बैठ गया, अब हाइये नहीं है तो इसका क्या होगा। पहले तो आराम से किसी खेत में जाके ले लेते थे, गन्ने चीप लेते थे, अभी खरीदना पड़ रहा है। जी जी, स्थिति यहाँ बदली है? तो बदली है तो बदल गई है, अभी तो दूसरे जगह से आता है, ये दूसरे जगह से खरीद के लाते हैं तो बेचते हैं। चलिए, और लोगों से पूछेंगे, कहाँ से आ रहे हैं आप? यही के हैं? सिवान से आ रहे हैं। क्या बिहार चल रहा है, आरजेडी की कि बीजेपी की, किसके बिहार चल रहा है? तेजस्वी यादव आएंगे इस बार। अच्छा, उन्होंने सरकारी नौकरी दी है? हाँ, सरकारी नौकरी उन्होंने दिया है, 2-3 लाख नौकरी दे दिए हैं। जो उन्होंने कहा वो अपने कहने पे पूरा उतरे और आगे भी वो आएंगे तो आगे भी हम कहते हैं कि अच्छा हम लोगों के लिए होगा।
और हमारी रोजगार नहीं है, हम लोग छपरा से सांसद कौन है मालूम है यहाँ के? हमें ये पता नहीं, हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, हमें तो बस रोजगार के लिए हम सिवान के भटकते रहते हैं। मुजफ्फरपुर जिले से हम है, मुजफ्फरपुर जिले से हम सिवान में रहते हैं, वहीं पे अपना मजदूरी करते हैं, ये कुर्सी वगैरह गाँव में। मुजफ्फरपुर में किसका बिहार चल रहा है, बीजेपी या कोई और अन्य? अभी अभी तो पूरी बिहार की ही कहानी है, तेजस्वी यादव आएंगे। तेजस्वी यादव बिल्कुल सी बात है, जो काम करेगा उसे लाना है, सीधी सी बात है, देखा जाएगा। इनको भी 5 साल जंगल राज की भी बात करते हैं लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो अपने अपने बनाने की बात होती है, हर कोई चाहता है एक दूसरे को क्लेम डाल। आपका उम्र हो गया? हमारा उम्र हो गया सर 32 साल हमारा उम्र है। आपने जंगल राज देखा है? हाँ थोड़ा बहुत तो हमने देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं, जंगल राज जो कह रहे हैं लोग वो तो गलत है। मैंने उस समय था, ऐसा कुछ भी नहीं है, लालू यादव का ही देन है, जो आज कहते हैं ना कि छोटका को ऊपर करके और बड़का को नीचे किए, वो उन्हीं का दिया हुआ है राजनीतिक एजेंडा। इससे आपको क्या बेनिफिट है? इससे बेनिफिट क्या है? अगर हम अगर कोई ऊंचा जाती है, आपका दोस्त है, अगर आपको मदद कर देता है या नीचा, इसमें मैंने छोटका बड़का आज आपको क्या लालू परिवार देख रहा है? आज हमें हम तो यही देख रहे हैं, जो 2 लाख लोगों की नौकरी मिली है ये हम देख रहे हैं। 2 लाख उत्तर प्रदेश वाले 1 लाख बता रहे हैं कि नौकरी लेके 2 लाख तो दिए, तो इससे कितने घर जो है सवर जाएंगे, ये तो देखने की बात। ये तो उत्तर प्रदेश के लोगों को, ज्यादातर बाहर के लोगों को नौकरी मिला, क्या वो वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा? अब देखिए हाँ बिल्कुल सी होगी, बिल्कुल होगी। कैसे होगा? वो तो अभी आए हैं, उनका वोटर कार्ड अभी तो बनेगा नहीं यहाँ का, वो यहाँ कैसे वोट देंगे? ऐसा है, हमने ये 10-15 साल से हमने ये बीजेपी सरकार भी देखी है, और हमने इससे पहले लालू की भी सरकार देखी, गठबंधन की भी सरकार नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ, वो भी देखा हमने। तेजस्वी को भी इस बार देने की मौका देने की चांस हम तो यही कहेंगे, एक बार। चिराग भी तो युवा है, चिराग भी तो आ रहा है, युवा है वो, सही है, वो भी शिक्षित है, सही है, पढ़े पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे हैं। अगर वो साथ में आ जाते हैं तो और अच्छी बात है कि हम उनको पूरा खुल करके हम लोग कोऑपरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और क्या। चलिए इनकी भी राय जान लिए हैं, और कुछ कहना चाह रहे हैं? तेजस्वी जी की बात हो रही है, सांसद हैं, राजीव प्रताप रूड़ी भी हैं, जितेंद्र राय को लेकर आपकी क्या बात है? जितेंद्र राय तो हमारे पड़ोसी हैं, वो भी अच्छा लीडर है। अगर संसदीय चुनाव में उनको टिकट मिल जाता है तो क्या लगता है कि चुनाव आसान हो जाएगा आरजेडी के लिए यहाँ से? अब तो पार्टी का फैसला होता है, वो ना होता है सर, 6 से 7 विधायक, 6 से 7 विधायक यहाँ से, तो सारा तो 6 से 7 विधायक यहाँ से आरजेडी का, उनको समर्थन मिल जाएगा इस बात को लेकर? मिल सकता है, राजश्री अगर आती है तो कितना बेहतर रहेगा। अब देखिए वो तो यहाँ का जो जितेंद्र राय है यहाँ के तो लोकल है, सब तरह पूज रहते हैं काम में, ठीक है, तो उनको मिलता है तो और बेहतर रहेगा। ठीक है ठीक है, कहाँ है घर, कहाँ है आपका? हमारा बांसडीह घर पर। अच्छा बांसडीह के हैं, और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, चलते हैं होटल पे। क्या नाम पड़ेगा आपका? दीपक कुमार। यादव जी हैं या राजपूत हैं या भूमिहार है? क्योंकि देश अब तो भाई यहाँ जाति की जनगणना हो गई है। यादव है तो छुपाया थोड़े जाएगा, यादव है तो भाई आपका तो वोट बैंक जाएगा लालू यादव के परिवार या तेजस्वी के साथ, ऐसा माना जा रहा है क्योंकि MOI समीकरण में। ऐसा बात थोड़ी है, 2 बार उनको भी चांस दिया गया था, अब नया कोई आएगा उनको देखा जाएगा। राजीव प्रताप रूड़ी यहाँ के सांसद हैं, चोकर बाबा भी यहाँ से विधायक रहे हैं, इस बार संसदीय चुनाव लड़ रहे थे, क्या 2-3 बार रहे ना जी यहाँ से सांसद राजीव प्रताप रूड़ी, फिर दूसरे कोई को मौका दिया जाए कि वो भी क्या कर रहे हैं? तेजस्वी ने रोजगार दिया है, नौकरी सरकारी नौकरी दिया है, और पीठ भी थपथपाए जा रहे हैं, मन से कहा भी जा रहा है, तो क्या बिहार के लोगों को इतना रोजगार मिले? हम सुनौ बाजार पे हैं, सुनौ चौक ये बहुत महत्वपूर्ण चौक है, आइए यहाँ अभी लोगों से बात करते हैं, और पान का दुकान है यहाँ काफी है। चुनाव का समय है सर? हाँ जी जी, संसदीय चुनाव आ रहा है, यहाँ से राजीव प्रताप रूड़ी सांसद भी है, ठीक है, ठीक। क्या लग रहा है कि काम किए है? काम नहीं किया है राजीव प्रताप रूड़ी, एको काम नहीं किए है, कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं। अगर राजश्री आती है या जितेंद्र राय को आरजेडी टिकट देती है तो कितने समर्थन में है आप? अगर आरजेडी से जितेंद्र राय आते हैं तो क्या लगता है कि चुनाव ठीक रहेगा उनके लिए? ठीक रहेगा, ठीक रहेगा, ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। आयुष्मान कार्ड बन रहा है, स्वास्थ्य कार्ड बन रहा है, हम लोग को तो एको कार्ड नहीं है, आप लोग का कोई कार्ड नहीं बना है, राशन में नाम नहीं है। क्या नाम पड़ेगा? है क्या नाम मत पूछवाइए ना, नहीं नाम तो
अब तो जाति जनगणना हो गई, अब तो बताने में हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होना चाहिए। नाम कुछ अब तो जाति जनगणना हो गया है, अब तो मैंने अब तो डायरेक्ट क्लियर हो गया है। नाम बताते नाम मत पूछिए ना जी, लल्लनमा जी ढुलाई का थाल। हाँ हाँ, गुलाम लालू जी का सपोर्ट है उनके लड़के के फाइनल। हाँ हाँ, उन्होंने काम किया, बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, बहुत काम किया उनका। अभी तो कई एक लाख रुपए, कई एक लाख के बच्चे लोग का एडमिशन करा दिए है, नौकरी नौकरी दे दी है, घर में चार हमारे बच्चे को मास्टर ही हो गया यहाँ से। हाँ यहाँ से, बिहार से जी, बीपीएससी से, बीपीएससी से। हाँ हाँ, चार चार बच्चे को हुआ है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और बाहर के लोगों को ज्यादा नौकरियां मिल गई। हाँ हाँ हाँ, मिली है, मास्टर लोग की खरे खरे हाँ मार रही है, नौकरी से निकाल रहा है भाजपा सरकार नियोजित टीचर के। ये तो वो भी सरकार जब गठबंधन में थी आरजेडी और नीतीश जी की, तब भी यही तभी से हुआ। हाँ सर, ये भी रख लीजिए बात, साफ साफ आवाज नोट कीजिएगा, चले जाना चाहिए ऊपर तक। हाँ, क्या कहते प्रधानमंत्री और मोदी जी, क्या नाम है, कौन सा है, अमित शाह, सहारा इंडिया के 24,000 रुपया करोड़ अपने जेब में रख लिए हैं अपने खाते में, और किसी गरीब के एक पैसा पेमेंट नहीं हो रहा है। जो मजदूर टट्टी साफ करता था, लेटिन साफ करता था, बर्तन साफ करता था, जूता सीता था, चाय बेचता था, अंडा बेचता था, सबका पैसा पर डे स्कूलों के सहारा इंडिया में जाता था। अपना टैक्स का भी तो बात हो रही थी कि सहारा इंडिया की पैसा मिलने वाले, मिल रहा है, झूठा है, सब पैसा रख लिया है, झूठा प्रलोभन दिया जा रहा है, सब ऑनलाइन करा लिया गया है, पैसा पेमेंट नहीं हो रहा है, ये बात वहाँ पहुँचना चाहिए। नियोजित शिक्षक के हटा रहे, 20-20 साल नौकरी करने के बाद में हटा रहे हैं। गांव से जो शिक्षक थे, गांव से जो बहाल हुए थे पंचायत में, हाँ। वो तो मैंने कहा जाता है लोगों के द्वारा कि वो भाई हाजिरी बना के चल जाते थे खेत में पानी पटाने, खेत में पानी पटाने नहीं, नहीं नहीं गलत में पानी पटाने, या सरकार गलत बोल रही है, सरकार गलत बोल रही है, कल्टूर हम गलत बोल रहे हैं। ये मैंने कुछ लोगों का भी इसमें कहना बयान लिए हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत बढ़िया हो रहा है, ना बदलाव बहुत अच्छा कर रहे हैं, पाठक की तरफ अपने नाश कर दिए, नाश कर दिए। आपके घर में कोई शिक्षक है? मेरी पत्नी है। अच्छा, जो शिक्षक में 6 to 8 में है या 1 to 5? एग्जाम दे दी? हाँ एग्जाम दे दिए है, हम लोग डर के मारे एग्जाम दिए हैं, डर से एग्जाम, डर से दिए हैं कि नौकरी से कहीं हटा ना पड़ेगा आपका। ओम प्रकाश सिंह। कहाँ घर है? भोलाही का थल सिंह है, मतलब राजपूत है। हाँ राजपूत है, राजपूत है। तो क्या लगता है सांसद महोदय से आप लोग खुश हैं? ना ना ना, एक दिन नहीं आए हैं गांव में हम लोग के, जब से जीते हैं तब तक ले। उन पर कितने का घोटाला है? अच्छा, उन पर भी घोटाला, उन पर भी घोटाला है। क्या लगता है जितेंद्र राय अच्छा है या राजश्री या चोकर बाबा? चोकर बाबा ठीक है, ठीक है, चोकर बाबा तो विधायक के नए उम्मीदवार है। नहीं तो संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार 3 महीना से वह दौरा कर रहे, घूम रहे, तो उनसे ठीक है, उनसे ठीक है, उनको कोई लालच नहीं है पब्लिक से, उनको पब्लिक से कोई लालच नहीं है, और उड़ी जी को लालच है पब्लिक से, पूर्वक बना बना के सब पैसा बाईपास का निर्माण करवा दिए हैं, बाईपास बन गया है वो, सब पेपर, सब पेपर वो बना है, पार्क बन गया है, सब पेपर वो बना है, वो पार्क से उनके लाभ है, हम लोग को कुछ फायदा नहीं है, पार्क से क्या मतलब है, उसे जब जाना पड़ेगा। लल्लन माझी की चीनी में माझी जी है, माझी जी किस ओर जाएंगे या तो चुनाव आने वाले चुनाव में पता चलेगा, मगर इनका कहना है कि भाई वर्तमान सांसद से बहुत ज्यादा हम खुश नहीं है, खुश रहे। आइए और जनता से बात करते हैं, सोनो चौक में, क्या नाम है आपका? ये नहीं बोलेंगे, तो मुंह में भरे हुए हैं, मुंह में भर के क्या बोलेंगे ये सब, मुंह में भरने से क्या होगा, आइए बात करते हैं, क्या नाम पड़ी आपके? मेरा नाम श्री भगवान पड़ता है। वर्तमान सरकार से खुश बानी उनका? हाँ हाँ, उनसे खुश है, बहुत खुश है। प्रधानमंत्री जो काम बहुत अच्छे काम किए हैं प्रधानमंत्री जी, यहाँ के करते हैं, यहाँ के सांसद राजीव प्रताप जी, क्या वो काम अच्छे किए हैं? हाँ वो काम अच्छे किए हैं, अच्छे किए हैं और करते भी हैं। अगर उनको टिकट मिलता है तो आपका वोट उधर जाएगा, बीजेपी को जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्या नाम पड़ेगा? श्री भगवान सिंह। कहाँ घर है? भेल्दी समस्तपुरा। राजपूत है? नहीं मैं कुर्मी हूँ। कुर्मी है? कुर्मी का तो भाई नीतीश जी है, जिधर वो जाएंगे उधर आप जाएंगे। हाँ ना, वो मन, हाँ ऐसा है, बुझिए। चलिए भाई, ये
ऑटो चालक वाले थे, ऑटो चालक ने भी बात किया और इन्होंने बताया है कि भाई यहाँ सांसद राजीव प्रताप रूड़ी अच्छे व्यक्ति हैं और काम भी अच्छा करते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए। है सोनो बाजार पे काफी लोगों से बात किए हैं और एक व्यक्ति मिले हैं, चश्मा उश्मा लगाए हुए, टीका उका किए हुए, पंडित जी हैं क्या? जी जी हाँ जी। अभी चुनाव आने वाला है, संसदीय चुनाव आने वाला है जी। क्या लगता है अगर आरजेडी से यहाँ राजश्री लालू के परिवार से या जितेंद्र राय जो टिकट देते हैं तो कितना सार्थक रहेगा? कि अभी वर्तमान में जो सांसद है राजीव प्रताप रूड़ी, उन्होंने काम किया है, ये तो बहुत बढ़िया है। सांसद राजीव प्रताप जी पढ़े लिखे व्यक्ति है, बहुत छवि बढ़िया है। अच्छा। केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। अच्छा। बहुत बढ़िया उनका अनुभव है। चोकर बाबा यहाँ से विधायक थे, वो भी संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं ठीक है, लेकिन उनसे रूड़ी जी के तुलने में भी नहीं है चोकर बाबा। क्यों? यहाँ से तो विधायक रहे हुए हैं, बढ़िया काम किए हैं। काम तो किए थे, मगर जनता देख लीजिए ना, काट दिया उनको। ऐसा नहीं ना कि जातीय समीकरण पे छिटा जाएंगे? वही जातीय समीकरण आज अभी भी जाति पे ही बिहार में वोट देना है, ये है तो कुट कुट के भरा है। अभी जो 2-3 लाख जो सरकारी नौकरी हुआ, अभी जो सरकार वर्तमान में थी जदयू और आरजेडी की, सबसे ज्यादा यानी या तो हुए होंगे या तो कोरी कुर्मी हुए होंगे। जनगणना हुआ उसमें पता नहीं चला 14% कितना परसेंट आहिर का संख्या है, तो जरूर हुआ होगा। अरे लोग कह रहे हैं कि संख्या है, तो जरूर हुआ होगा। अरे लोग कह रहे हैं कि आधे से अधिक उत्तर प्रदेश के लोग नौकरी लेके चले गए। हाँ, तो यहाँ उत्तर प्रदेश के ज्यादा आ रहे हैं रूम के लिए आ रहे जी, हैं जी। क्या लगता है इसमें कहीं खेला नहीं हो गया होगा? नहीं, पाठक भी काम कर रहे हैं सही? ठीक है। के पाठक जो तो बहुत बढ़िया है, मैंने क्या कर रहे हैं वो अलग जगह ट्रांसफर करने से शिक्षकों में बदलाव हो जाएगा, उनको यहाँ रहना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए। वही तो है, जितेंद्र राय को अगर टिकट मिलता है तो कितना साथ हम लोग रूड़ी जी के साथ है तो है। क्या नाम पड़ेगा? हमारा विक्रम राय नाम पड़ेगा। विक्रम राय जी, यादव जी जी, यादव जी होते हुए राजीव प्रताप रूड़ी के जी 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 जी, यानी अच्छे व्यक्ति काम किया है जी। जितेंद्र राय जी नहीं, जी। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? मोहन कुमार सिंह। पवन कुमार कहाँ घर है? यही सुनो, क्या लगता है इस बार संसदीय चुनाव आने वाला है, राजीव प्रताप रूड़ी वर्तमान में सांसद हैं जी, चोकर बाबा भी लड़ रहे हैं जी संसदीय चुनाव जी, क्या लालू परिवार से अगर राजश्री आती है तो क्या यह उचित है या यहाँ से वर्तमान विधायक महोरा के जितेंद्र राय को टिकट देता दिया जाता है तो अच्छा रहेगा, फाइट रहेगा? जो भी है उसी को दिया जाएगा जो काम कर रहा है। अच्छा, वर्तमान शासन ने काम किया है जी, जी। काम तो ये रहा है, बीजेपी काम किया है जी, बीजेपी भी काम किया है, सब काम कर रहा है, जो भी मौजूदा सरकार है चाहे पहले भी था अभी काम कर रहा है। अच्छा, मजदूर है? हाँ सर, देख लीजिए ये मजदूर, बिहार के मजदूर का ये दशा अभी भी बदला नहीं है, जहाँ नेताओं का कहना है कि बिहार बदल गया है, बिहार नहीं बदला है, बिहार बदल गया है? नहीं सर, हरा गमछा लगाए हुए हैं। आरजेडी समर्थक है का? नहीं है? हम जनता का समर्थक है, अभी समर्थक नहीं है, जनता का समर्थक है। अच्छा, वर्तमान सरकार जो है ठीक काम कर रही है? नहीं काम कर नहीं कर रही है, आरजेडी अपना सोच रही है, अपना। आरजेडी की सरकार अभी थी गठबंधन में, अगर यहाँ से टिकट किसको मिलना उचित रहेगा, राजश्री को या जितेंद्र राय को? जितेंद्र राय को, बढ़िया व्यक्ति है, ये है। राजीव प्रताप रूड़ी ने काम किया है? नहीं किया, चोरी के काम किया है। अच्छा, राजीव प्रताप रूड़ी ने 80 करोड़ों को चोरी के अभियान में रखे हुए थे, प्रोत्साहित क्या बोलते हैं बिहारी आदमी को प्रोत्साहित नहीं किए थे। अच्छा, कहाँ घर पड़ेगा? घर तो पड़ेगा सर टीकरा। इस बार का संसदीय चुनाव में क्या सोचकर वोट देंगे, अपने बच्चे के लिए देंगे या जाति के नाम पे देंगे आप? बच्चे के भविष्य के बारे में सोच कर देंगे। एक जन सुराज पार्टी भी आ रही है उभर के, सर
जन सुहास पार्टी गांधी जी का अभियान पर चल रही है, अच्छा पार्टी है, उसके बारे में सोचा जाएगा, सोचा जाएगा इस बार मैंने वोट अगर मिलता है तो जितेंद्र राय को यहाँ से टिकट उचित रहेगा। हाँ, जन सुहास पार्टी से मिले रहेंगे तो जन सुहास पार्टी को दिया जाएगा वोट। चलिए और लोगों से बात करेंगे। अच्छा बाबा, का हाल बा? ठीक है बा। चुनाव के का? चुनाव के हल्दी का गए? गर्मी आ गई का? हां गर्मी बा, 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 तबियत तो खराब है, तबियत खराब बा। चुनाव आवे वाला बा, सांसद जैसे राजीव प्रताप रूड़ी बा। अच्छा, वो तो जानते बा तबियत काम कइले बा। अगर काम कइले बा तो उहे बताइए जो काम कइले बा कि आहा वो कैसे बताइए, जनता हमने के ना बतावे के? अभी बताइए ना, जिस दिन मोटर साइकिल से चलते थे उस दिन हम लोग को वोट दिए थे। अच्छा, अब हम लोग घर है, हमारा छपरा है, जो मोटर साइकिल से चलते थे एटी वाला से, वो बार हम लोग को वोट देते थे। अभी काम किए हैं कि? अभी काम किया, इस सोलह आता है तो महाराज बन जाता है, अभी होगा जाने के बाद में किसी मिलते हैं वो नहीं मिलते हैं, वो संसद आएगा जो काम नहीं किए हैं सर, राजीव प्रताप प्रणाम करने का काज नहीं किए हैं, हाथों ही ने काज नहीं किए हैं। कहाँ से आए हैं? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं जी सर, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, मुस्कुरा तो युवा है। भी है जी, हम तो युवा हैं। चुनाव आने वाला है? हाँ, चुनाव तो आने क्या वाला। लगता है यहाँ से बीजेपी टक्कर देगी? यहाँ से बीजेपी हरदम टक्कर दिया है और क्षेत्र में माननीय सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी जी काम किए हैं, हर तरफ देखिए शिक्षा से लेकर विकास से लेकर रोड से लेकर हर चीज काम किए हैं और शिक्षित एक नेता है, शिक्षा को समाज में बढ़ावा दिए हैं। तो इस तरह से बाढ़ आया था लगातार, इसमें सांसद द्वारा क्या मदद किया गया? बहुत सांसद द्वारा मदद हर चीज किया गया जितना संभव हुआ सांसद की है, और लोगों की ज्यादातर राजीव प्रताप रूडी से यह शिकायत रहती है कि राजीव प्रताप रूडी अपने क्षेत्र में हर आदमी से अपना मिलना रूबरू नहीं हो पाते हैं, और उनके जो अगल बगल साथ में रहते हैं वो लोग अपने क्षेत्र में काम करता है, उनका काम वो लोग करता है। आप युवा है, जितेंद्र राय अच्छा माना जाएगा आरजेडी से या राजश्री? देखिए आरजेडी से राजश्री जी अच्छा माने जाएंगे, यहाँ राय छपरा लोकसभा से अगर आते हैं तो राजश्री जी को हार्दिक अभिनंदन है, हम लोग उनके साथ रहेंगे। लेकिन जहाँ तक अभी बात है तो राजीव प्रताप रूडी जी काफी काम किए हैं क्षेत्र में और हम लोग के क्षेत्र में विकास से लेकर हर चीज काम करते हैं, अभी के डेट में बहुत सारा दौरा वो कर रहे हैं। चोकर बाबा ने भी तो काफी काम किया था? चोकर बाबा ने तो काम किया था, चोकर बाबा का पब्लिक भी बहुत सपोर्ट है, आगे चोकर बाबा को भी देगा, विधायक में चोकर बाबा को जिताया जाएगा और विधायक में या तो चोकर बाबा नहीं तो सुनील राय जी, दो आदमी बाद बाकी तीसरे यहाँ। अभी मैं सोनो चौक पे हूँ और यहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट बनाया गया है और कल जो है मढ़ौरा का ग्राउंड रिपोर्ट बनाया जाएगा, वहाँ की जनता से बात करेंगे। यहाँ की जनता से बात करने पर यही लगा कोई जाति पे बात कर रहा था, कोई विकास के नाम से बात कर रहा था, वर्तमान सांसद के बारे में भी बात कर रहा था। देखना यह होगा कि यह जो बातें हुई है वोट बैंक में कितना तब्दील होता है, यह तो आने वाला समय बताएगा। छपरा से मनोज कुमार।